हाय, मेरा नाम है अमित और आपका भाई हाजिर है आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई हॉन्टेड लोकेशन पर, एक नई हॉन्टेड वीडियो लेकर। लोकेशन नहीं है, मैं ये बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं इस जगह की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों को वो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल मैं जो अभी नए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बस बहुत जल्दी जल्दी मैं बट स्टोरी बता देता हूँ। एक लड़का लड़की थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वाले उनके खिलाफ थे। और उनकी जो मिलने की जगह थी, मेरे बगल में ही है ट्यूबवेल, अभी मैं दिखाऊंगा। कहते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, यहाँ पर वो मिला करते थे। जब उनके फैमिली वालों को पता चला तो उन्होंने उनको यहाँ पर मार दिया था। सांस फूल रही है क्योंकि गाड़ी मेरी काफ़ी पीछे खड़ी है और मैं यहाँ पर पैदल चल के आया हूँ। और इसके बगल में दो पेड़ है, कहते हैं वहाँ पर उनको लटका दिया था। पेड़ इतने भयानक हो चुके हैं कि उनको काटने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं करी है। वो जगह आप लोगों को देख के अभी समझ में आ जाएगी कि क्यों वो भयानक है। बाकी एक बार मैं ट्यूबवेल दिखाता हूँ और जो उन लोगों की जान गई थी, तो बस मैं इतना कह सकता हूँ कि ये समझ लो कि सिर्फ वो जो लड़का लड़की थे एक दूसरे धर्म के थे, मतलब एक सेम धर्म के नहीं थे। एक लड़का दूसरे धर्म का था, लड़की दूसरे धर्म की थी। शायद यही वजह थी कि उनके घर वालों को उनका प्यार कबूल नहीं हुआ और उन्होंने उनकी जान ले ली। तो फिलहाल मैं आगे खड़ा हूँ इस रूम के पास जहाँ पे वो मिला करते थे, और अभी मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं गया था बट यहाँ पर कुछ ऐसा फील हुआ था जिसकी वजह से मैं दोबारा अंदर नहीं गया। मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर अंदर जाने की। और ये क्या हुआ, अजीब सी हरकत। बाकी रूम के अंदर की हालत ऐसी है कि शायद जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह भी हो सकते हैं। ना ही इस ट्यूबवेल को, और ये क्या हुआ, ये कहाँ से आया। देखिए आप जो भी यहाँ मौजूद हैं, मैं ना तो आपको नुकसान पहुंचाने आया हूँ, ना ही मैं परेशान करने आया हूँ। मैं बस यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप जो भी यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सिर्फ मुझसे बात करें या अपने होने की मौजूदगी का एहसास कराएं। आते ही यहाँ पे कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर जो चीज़ है उसने मेरे को देख, ये देखो, जितनी बार भी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, ये चीज़ फील होती है कि जैसे ये चीज़ टूट के गिर रही है। और एक बार मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को उस पेड़ के पास जहाँ पर उन दोनों को लटकाया गया था। जगह ऐसी है कि यहाँ पर दूर दूर तक अगर कोई किसी की जान भी लेना चाहे, जैसे कि उन दोनों की गई है, तो यहाँ पर उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो एक ये पेड़ है और इसकी हालत आप देख के समझ रहे होंगे कि चारों तरफ पूरी खुदाई हो चुकी है, पूरा पार्क जैसा है, आप बोल सकते हो खुला मैदान बना दिया है, लेकिन इसको किसी ने काटने की हिम्मत तक नहीं करी है। और इसके बगल में ही एक और पेड़ है जहाँ पर उस लड़के को लटकाया गया था। ये रहे वो पेड़। और इस जगह पर मैं फिलहाल अभी आके खड़ा हूँ अकेला, और सच बताऊँ तो बहुत अजीब लग रहा है ऐसा करते हुए। बट मैं इतना बता दूँ कि आज की वीडियो में होने वाला है कुछ ऐसा जो शायद मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं किया था। और पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों से बात करने की, फिर देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या वो उनसे बात करना चाहते हैं या नहीं। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि वो ऐप जो कि मैंने खरीदी हुई है, उस ऐप के थ्रू मैं उनसे बात करूं। और एक बार मैं खोल लेता हूं उस ऐप को। तो ये एक ऐप है नेक्रोफोनिक, जो कि इको तरंगे छोड़ता है और ये उन आवाज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करता है जिनको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। तो इस फ़ोन को मैं रखता हूँ
इस जगह पर और देखते हैं कि क्या कोई भी आवाज़ ऐसी रिकॉर्ड होती है इस पेड़ के पास में। तो इसको शुरू करते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो मुझसे बात करना चाहेगा? शायद साउंड कम है इसका। क्या कोई भी ऐसा यहाँ मौजूद है जो मुझसे बात करेगा या अपने होने की मौजूदगी का एहसास कराएगा? क्या कोई भी ऐसा यहाँ मौजूद है जिसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार लाइट कम करता हूँ। मेरा नाम अमित है। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद है जिसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ये जो वाइट नॉइस लिखा हुआ है मैंने इसको ऑन किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यही ज़्यादातर ऐसी आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है जो हमें सुनाई नहीं देती है। बाकी इसमें अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं पूरी जगह पर घूमूं और एक बार इस वाले पेड़ के पास जाके इस ऐप को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक बिल है, ये शायद सांप का हो सकता है, तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा। फ़ोन पर रखता हूँ यहाँ पर और ये फ़ोन अभी भी चालू ही है, वो देखते हैं। क्या कोई भी ऐसा यहाँ मौजूद है जिसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आप में से कोई भी मुझसे यहाँ बात कर सकता है? मेरा नाम अमित है। देखिए, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ, सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझसे बात करेंगे? यहाँ भी कोई जवाब नहीं है और मेरे को शायद उस कमरे के पास ही चलना चाहिए जहाँ पे वो आते ही मेरे को फील हुआ कि जैसे वहाँ कोई मौजूद है। तो एक बार फिर दोबारा वहीं चलते हैं और देखते हैं। दूर कहीं कुछ चिल्ला रहे हैं। बस यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों का डर होता है जो मैं हर जगह अपनी हर लोकेशन पे हर वीडियो में बोलता हूँ, एक चांस नेचर, छीना झपटी करने वाले चोर लुटेरे, क्योंकि ऐसी जगह पे अक्सर वो लोग मौजूद होते हैं। और यही ऐप मैं दोबारा यूज़ करने वाला हूँ इस रूम के पास में, देखते हैं क्या होता है। इस फोन पर रखता हूँ यहाँ और एक बार फिर से। क्या कोई भी यहाँ ऐसा मौजूद है जो मुझसे बात करना चाहेगा? क्या कोई भी ऐसा यहाँ मौजूद है जिसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको मालूम है कि वो इस दुनिया में नहीं है? क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। तो एक बार क्या करता हूँ मैं कि इसके अंदर इको का सबसे ज़्यादा एक्टिव ये स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। क्या कोई भी यहाँ ऐसा मौजूद है? क्या आप मुझसे बात करेंगे?
मेरा नाम अमित है। बहुत क्लियर नहीं है, एक बार देखिए। मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। वो ये क्या कुत्ता आया है यहाँ पे क्या? अमित, किसी लेडी की आवाज में शायद मेरे को मेरा नाम सुनाई दिया है। हाँ, मेरा नाम अमित है, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? यस। तो क्या मैं आप लोगों का नाम जान सकता हूँ? क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? शायद वो जो लड़का है वो गुस्से में है एंड वो बात नहीं करना चाहता। तो देखिए, जो भी आप यहाँ पे लेडीज हैं, जो भी आप मौजूद हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार प्लीज मुझसे बात करें। हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ किसी भी चीज में। दूर हो जाओ। देखिए, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आपको नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। दूर हो जाओ। बार बार सेम साउंड कि दूर हो जाओ। जो भी चीज़ है वो नहीं चाहती है बात करने के लिए। बाकी यहाँ आते ही फील हुआ था जैसे जो भी चीज़ यहाँ मौजूद है उसने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। एंड बार मैं कैमरा सामने करता हूँ। इसके अंदर जाने की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर हो सकता है सांप वगैरह हों जो छत के ऊपर लटके हों, वो अगर मेरे को काट लेते हैं तो जानकारी इस हो सकता है। और इस जगह पे फिलहाल मेरे अभी कोई भी नहीं, अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरी हेल्प के लिए भी, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बट ये जगह इतनी हॉन्टेड है कि आप ये देख के समझ सकते हो कि उन पेड़ों को और इस कमरे को आज तक किसी ने तोड़ने की भी हिम्मत नहीं करी। आवाज़ आ रही है, किसी की रोने जैसी आवाज आ रही है किसी की। देखिए, मैं जानता हूं कि आप यहां पर जो भी मौजूद है आप तकलीफ में हैं। अगर आप मुझसे कुछ भी बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जो भी आप चाहें। दूर कुत्तों ने रोना चालू कर दिया है और ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। कुत्ते बहुत जोर से रोना चालू कर दिए हैं और ऐसा तब होता है जब वो उन चीज़ों को देख लेते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिनको हम बोल सकते हैं पैरानॉर्मल एनर्जी, या आम भाषा में बोले तो भूत प्रेत आत्मा रूह, आप अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी कुत्ते बहुत ज़ोर से रो रहे हैं। मेरी कोशिश थी यहाँ पर आने के बाद कि मैं कुछ ऐसा करूँ यहाँ पर जो शायद अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन सच बताऊँ तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर जाने की, क्योंकि जो भी चीज़ है वो लड़का है, उसने मेरे से दो बार बोला दूर हो जाओ ऐसे करके, और लड़की है उसने बात करना भी नहीं चाहा है, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकूँगा क्योंकि मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मैं यार मैं मिलूँगा आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर, कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर, या शायद मैं दोबारा इस जगह पर आऊँ और लोगों के साथ में, और जो मैं आज नहीं कर पाया हूँ वो करना चाहूँगा। और वो सस्पेंस रहेगा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भी देखो और उस वीडियो को भी देखो जब मैं यहाँ पर वो करूँगा जो मैं करने के लिए आया था। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ इस लोकेशन से। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना, आपको आईडी शो हो रही होगी। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।